नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार हर जनपद में जाकर वहां की समस्या जानने का प्रयास कर रहे हैं। हर जनपद में जाने के बाद कुछ कुछ उस जनपद को देने का काम किया। इसी को मद्देनजर रखते हुए देवरिया जनपद में आने के बाद खुले मंच में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मेडिकल कॉलेज खोलने का आश्वासन, लेकिन यहां जमीन न मिलने के कारण काफी दिक्कतों का सामना देवरिया जनपद के आला अधिकारी को करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज बनाना जरूरी था क्योंकि मुख्यमंत्री का फरमान था कि देवरिया जनपद में मेडिकल कॉलेज बहुत ही जल्द शिलान्यास किया जाए। आश्वासन से प्रदेश के मुख्यमंत्री देवरिया जनपद के जिला अधिकारी पर लगातार दबाव बनाते रहे। अधिकारी ने अपने विवेक और कुशलता से देवरिया जिला अस्पताल में 28 एकड़ जमीन दिलाकर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सारे एग्रीमेंट कागजात तैयार कर लिए, मुख्यमंत्री के सामने परोसने का काम किया। इसके मद्देनजर रखते हुए प्रदेश के मुखिया ने जिलाधिकारी को धन्यवाद करते हुए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी शुरू कर दी। जिला अधिकारी सुजीत कुमार ने दिशा निर्देशन में देवरिया मेडिकल कॉलेज का कार्यकार शुरू कर दिया। जनपद देवरिया में शुरू से एक प्रयास था कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जाए। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना का जो मानक होता है कि कम से कम जिला अस्पताल हमारा 200 बेड का होना चाहिए, उसमें हम लोगों ने शुरू से ये पॉइंट रखा कि देवरिया जनपद में हमारा जो पुरुष चिकित्सालय है वो 230 बेड का और महिला चिकित्सालय 191 बेड का है। टोटल 421 बेड का अस्पताल हमारा यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और आप लोगों ने भी ये फील किया होगा कि यहाँ पे जो पेशेंट्स का रश रहता है वो बहुत ज़्यादा है। इस संदर्भ में ये अति आवश्यक था कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए और इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। तो कुछ समस्याएं आई ज़मीन को लेकर के, तो उन सब चीज़ों को भी हम लोगों ने दूर किया। इसमें उनकी ये बोला गया कि 20 एकड़ पूरी ज़मीन चाहिए, जिसमें कि 10 एकड़ वो मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने के लिए ज़मीन मांगी जा रही थी। इस संदर्भ में जब मेडिकल हमारे जिला अस्पताल की पूरी ज़मीन नपवाई गई तो करीब 27 एकड़ ज़मीन निकली वहाँ पर, तो उसी में ये निर्णय हुआ कि पीछे जो हमारी खाली ज़मीनें बची हैं और कुछ बिल्डिंग्स जो हमारी ऑलरेडी खंडम हो चुकी हैं उनको तोड़वाकर उसी एक कैंपस में बढ़िया सा मेडिकल कॉलेज बनवाए जाने का, जो यहाँ पर पूरा DPR बना करके शासन को भेजना चाहिए और शासन ने उसको